तो दोस्तों आप सभी लोगों को भी डेवलपर ऑप्शन के बारे में पता ही होगा। डेवलपर ऑप्शन के अंदर 5 ऐसे हिडन ऑप्शन छुपे हुए हैं जिसे आप सभी लोगों को भूलकर भी ऑन नहीं करना है। यही गलती करते हो जिसके वजह से आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करता है, आपके फ़ोन में हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, आपका फ़ोन रुक रुक के चलने लगता है। ये जो 5 हिडन सेटिंग है इसे भूलकर भी हमें ऑन नहीं करना है। तो वो कौन सी सेटिंग है जिसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा देना है ताकि जब भी नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। अब पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो डेवलपर सेटिंग को कैसे ऑन करना है आप सभी लोगों को पता ही होगा। बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करना है तो आपके सामने डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब इसके अंदर कितने सारे हिडन सेटिंग मिल जाते हैं जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हो। कुछ काम के सेटिंग भी होते हैं, कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं जो हमारे फोन में गलती से भी अगर ऑन हो जाते हैं तो हमारे फोन के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक सेटिंग हो जाता है। तो यहां पे जो पहला सेटिंग है, यहां पे आप आओगे तो यहां पे देखोगे स्टे वेक करके आपको पहला सेटिंग देखने को मिलता है। अगर आप इसे गलती से भी इसे ऑन करते हो तो इससे क्या होता है, जब भी आप अपने फोन को चार्ज में लगाते हो या कहीं पे भी आप अपने फोन को रखते हो ना, उसका स्क्रीन ऑफ होगा ही नहीं, कंटिन्यू ये जो स्क्रीन है ना वो ऑन ही रहेगा। जब तक आप फोन को चार्जिंग में लगा के रखोगे तब तक, जब तक आप इस्तेमाल करते रहोगे तभी भी, अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो फिर भी इसके स्क्रीन का लाइट बंद नहीं होगा, जिससे आपके फोन की बैटरी की जो हेल्थ है वो डाउन होती है और आपके फोन की बैटरी जो है ना, आपका फोन जो है ना वो भी हीट होने लगता है। तो ये अगर सेटिंग ऑन है ना गलती से भी तो आपको इसे ऑफ करके रखना है। जो आपके स्क्रीन का टाइम है वही टाइम को आपको इस्तेमाल करना है, इसे ऑन करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अब दूसरे नंबर के सेटिंग के बारे में भी बता देता हूं। दूसरे नंबर के सेटिंग के लिए आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप सभी लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सिस्टम यूआई डेमो मोड। इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे पहला आपको ऑन करना है, फिर दूसरा वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, शो डेमो मोड। इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपके फोन की बैटरी कितना चार्ज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी कि रेड में है। लेकिन जैसे ही आप इसे ऑन करते हो उसके बाद आपके फोन की बैटरी जो है ना वो फुल दिखाने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके फोन की बैटरी हेल्थ जो है वो भी फुल दिखाने लगेगा, नेटवर्क जो है वो भी यहाँ पे देख सकते हो फुल दिखाने लगेगा, यानी कि सारी चीजें जो है ना वो फुल दिखाने लगेगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फोन जो है ना वो डेमो मोड में चला गया है। इससे आपको ये भी नहीं पता चलता है कि आपके फोन की बैटरी कितना चार्ज है और आप अपने फोन की बैटरी को इस्तेमाल कितना किए हो, कुछ भी आपको पता नहीं चल पाता है। इसीलिए आप लोग के फोन के अंदर अगर गलती से भी ये सेटिंग ऑन है तो इसे आप लोगों को ऑफ करना है ताकि आपको पता चले कि आपके फोन में नेटवर्क कितना है और आपने फोन की बैटरी को कितना इस्तेमाल किया है, सारी चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चलते रहे। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग था। जो तीसरे नंबर का सेटिंग है उसके लिए आप लोगों को नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप सब लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल। यहाँ पे जैसे आप इस सेटिंग को अगर ऑन करके रखते हो तो इससे आपको फायदा भी ये होता है कि आप जितने भी अपने फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो वो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में जाता है, यानी कि जो आपने मेमोरी कार्ड डाला हुआ रहता है उसके अंदर जाता है, जो इंटरनल स्टोरेज रहता है वो बिल्कुल फ्री होता है, जिससे आपका फोन में लैग की प्रॉब्लम नहीं आता, स्टोरेज भी फुल नहीं होता है। ये सेटिंग आप लोगों को ऑन करना है जब आपके फोन में मेमोरी कार्ड हो, और जिसके फोन में मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही नहीं होता है। अब आपको भी पता है कि जितने भी अब 128 GB की 256 GB की फोन आने लगी है, तब से क्या हो रहा है कि उसमें मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। तो वो सबको ये सेटिंग ऑन करने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वो ऑटोमेटिक ही आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में ही जाता है। तो इस सेटिंग को ऑन करके आपको कोई भी मतलब नहीं होने वाला है, आपके फोन के अंदर मेमोरी कार्ड है ही नहीं, तो आपका एप्लीकेशन जितना भी आप डाउनलोड करते हो तो सारे के सारे एप्लीकेशन भी आपके फोन के एक्सटर्नल स्टोरेज में नहीं हो करके आपके इंटरनल स्टोरेज में ही जाएंगे। तो आपको इस सेटिंग को भी ऑफ कर देना है।
जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है सभी एंड्रॉयड फोन के लिए। आप लोगों को भी पता है कि अगर आपने फोन परचेस किया है तो एक महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद सिस्टम का अपडेट आता ही रहता है। तो यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है जिसका नाम रहता है ऑटो अपडेट सिस्टम, या आपके फोन के अंदर सिस्टम भी अपडेट होता है। तो यहाँ पे ये बाकी लोग क्या करते हैं, ऑन करके रखते हैं या गलती से ऑन हो जाता है, या काफी लोग ऑन करके रखते हैं कि जब भी हमारे फोन में अपडेट आए तो क्या होता है कि फटाक से अपडेट हो जाए और हमें नए फीचर्स को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। लेकिन ये बहुत ही गलत करते हो आप लोग, यही मिस्टेक होता है जिससे आपका फोन जल्दी खराब होता है। अब यहाँ पे कोई भी अपडेट आता है तो वो पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाता है, उससे पहले ही आप अपने फोन को अपडेट कर देते हो तो जितना भी वायरस होता है, जितना भी ग्लिचेस होते हैं, वो आप सभी लोगों के एंड्रॉयड फोन के अंदर आ जाते हैं, जिससे आपका फोन बहुत ही जल्दी खराब होने लगता है। तो आप लोगों को अपडेट या ऑटो अपडेट ऑन करके नहीं रखना है, वो जब भी अपडेट आए तो 15-20 दिन या एक हफ्ते रुकने के बाद जब पूरी तरह से फिक्स हो जाए कि हाँ ये अपडेट अब हमारे फोन के लिए कंफर्टेबल है, तब आपको उस अपडेट को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये जो सेटिंग है इसे भी, आप लोगों को अगर ऑन है तो इसे भी ऑफ कर देना है। अब जो लास्ट पांचवें नंबर की सेटिंग है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो पांचवें नंबर का ऑप्शन है आप सभी लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका नाम होता है मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा एक्टिव इवन व्हेन वाईफाई एक्टिव फॉर फास्ट नेटवर्क स्विचिंग। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने मोबाइल डाटा को एक्टिव रखना चाहते हो, हमेशा यहाँ पे एक्टिव रखना चाहते हो, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हो तो आपके मोबाइल के डाटा जो है वो हमेशा यहाँ पे ऑन रहेगा। अगर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वाईफाई कहीं पे बाय चांस बंद हो जाता है तभी भी क्या होता है कि आपका इंटरनेट इस्तेमाल होना चालू हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो या अपने फोन के वाईफाई को, यानी कि वाईफाई को इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता है। अगर ये सेटिंग ऑन रहता है तो आपको इसे ऑफ करके रखना है। अब आपको पता चलेगा कि आप वाईफाई यूज कर रहे हो कि अपने मोबाइल डाटा को यूज कर रहे हो। जब भी आपको मोबाइल डाटा को यूज करना है आप सिंपली नोटिफिकेशन को ऑन करके वहां से मोबाइल डाटा को ऑन करके मोबाइल डाटा को यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप वाईफाई यूज कर रहे हो, अगर वहां पे वाईफाई को प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिलता है तब वो आपके मोबाइल के इंटरनेट डाटा को यूज करने लगता है और आपको पता नहीं चलता है और आपके पूरा का पूरा इंटरनेट डाटा भी खत्म हो जाता है। तो इस सेटिंग को भी आप लोगों को ऑफ करके रख देना है। अब ये जो पांच सेटिंग है ना, ये पांचों सेटिंग को अगर आप अपने फोन में कर लेते हो जो डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही मिलता है, तो काफी अच्छे से आप अपने फोन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।